कुमार जी कहते हैं ना हम किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं। जो घटना हुई है तो क्या हुई, सत्ता के लोग जो है वो जुड़े हुए साथ हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जो ऊपर से आदेश जो उनको आया हो वही आदेश का वो पालन कर रहे हैं। न्याय दिलाने में जो हम लोग का बल पड़ेगा वो हम लोग दिलाएंगे। पूरी जानकारी जो स्वर्गीय गोपाल जी अधिकार जी से जो दोनों भाई उनसे चर्चा हुई और उन्होंने सारा विस्तार पूर्वक जो है घटनाक्रम वाइज बातें जो है बताई है। और एक विपक्ष के नेता होने की जो हमको जिम्मेवारी है इस परिवार को हम न्याय दिलाएं। और पूरी बात सुनने के बाद यही बात आई है निकल कर कि जो घटना हुई है जो हत्या हुई में सत्ता के लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो दूसरे डायरेक्शन में चल रहा है, यानी परिवार जो है परिवार के लोग जांच से संतुष्ट नहीं है। ये साफ बात जो सीसीटीवी में जो बाइक चालक या शूटर उसका भी मिलान जो है नहीं हो पा रहा है, उसके परिवार के लोगों ने आशंका जताई है। और इसमें कई लोग जो है जमीन विवाद को लेकर के हालांकि उन्होंने भी एसपी साहब को पूरे घटनाक्रम जो है बताई है और एसपी साहब ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जो ऊपर से आदेश जो उनको आया हो वही आदेश का वो पालन कर रहे हैं ना कि न्याय कर रहे हैं। तो हम लोग जो है इसको लेकर के बिहार विधानसभा में आवाज उठाएंगे ताकि अलग से एसआईटी की भी गठन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिला पुलिस पे परिवार के लोगों को विश्वास नहीं है, संतुष्ट नहीं है। साथ ही साथ दुनिया में जब भी अपराध होते हैं, जब भी मर्डर होता है तो सत्ता में जो लोग उन्हीं के इर्द गिर्द जो है धूड़ी जो है घूमती रहती है और सत्ता के लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनको लगातार जो है यहाँ की जिला प्रशासन बचाने का काम। तो ये बात जो है पूरे परिवार के प्रतीश कुमार जी कहते हैं ना हम किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं। एक बात तो सत्य है कि वो जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं, वो फंसाते भी हैं और वो दोषियों को बचाते भी और निर्दोषों को फंसाया जाता है। देवा भारती जी के जो बेटे हैं 18 साल लगभग उम्र उनको जबरन जो है फंसाया गया है। और जो जनता दल यूनाइटेड के चाहे प्रखंड अध्यक्ष हों या एक और कोई नवगछिया का जीता है दीपक यादव का और यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं जदयू के दमदहा के ये शंभु जायसवाल ये सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है परिवार के भाई जो है काफरा इन सब लोग जो है एसपी साहब की पूरी जानकारी है। लेकिन अगर न्याय नहीं दिलाएगा तो कहाँ न्याय मिलेगा। तो हम लोग एक विपक्ष जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए न्याय दिलाने में जो हम लोग का बल पड़ेगा वो हम लोग दिलाएंगे। और एसपी साहब से पुनः हम अपील करते हैं कि किस चाहे कोई भी जो लॉ है उसका पालन करें, जो एविडेंस जो परिजनों का जो आरोप है उस पर नज़र जो है लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, किसी के दबाव में आकर के इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। सत्ता में जो लोग हैं वो आते हैं जाते हैं, आपको भी पता है, आप लोगों ने भी देखा है कि माननीय नीतीश कुमार जी हो या बिहार में जब से 20 से सरकार बनी है लगभग 3-4 बार बदल चुकी है। तो किसी को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए, जो लॉ है न्याय है वो हम लोगों को देखते हुए इन परिवार के लोगों को आपको भी पता है कि चुनाव के दौरान 20 में मेरा भी नाम जो है एक दलित की हत्या में मेरा भी नाम जोड़ा गया शक्ति मलिक हत्याकांड। लेकिन उस समय के एसएसपी साहब ने जो है हमको क्लीन चिट दिया तो उसके बाद से उनको सेंटिंग में कर दिया गया। यही तो है न्याय नीतीश जी का। और आज इस परिवार जो है सुरक्षा तो दे ही दे
लेकिन जब तक सही लोग नहीं पकड़ाएगा तब तक ये परिवार भविष्य में कैसे सुरक्षित रहेगा। सवाल तो ये है, अगर निर्दोषों को फंसा करके जेल में आप डाल दो तो भविष्य में जो अपराधी है उसको तो बल मिल गया, बल मिला तो एक भाई की मृत्यु हुई है, कल तो दोनों भाइयों की मृत्यु हो रही, इसकी गारंटी कौन ले। तो ये सरकार और प्रशासन को देखने की जरूरत है। सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में रहने वाली चीज नहीं है। कुर्सी पे जो लोग आते हैं बदलते रहते हैं, लेकिन जो लॉ है, जो कानून है, जो सिस्टम है, जो पुलिस है, उसको सदैव यही रहना है। उसके न्यायपूर्ण फैसला लोगों को करना चाहिए, अधिकारी को करना चाहिए। और जो सबसे बड़ा जो सदन है लोकतंत्र का, जो सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ भी हम लोग जो है इस बात को हम लोग उठाएंगे। लेकिन आप देखिए, बिहार में केवल पूर्णिया ही नहीं, उदाहरण आप मेरे ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक हैंडल पे जाएं, जब से ये लोग आए तब से पूरे बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, लगातार अपराध चरम सीमा पर है और किसी को न्याय जो है नहीं मिल रहा, कोई भी सिस्टम से काम नहीं कर रहा। उसलिए थोड़ा परिवार के लोग जो हैं, लोग संवेदना जताते हैं और हम लोग परिवार के लोगों को भरोसा जताते हैं छोटा सा कि न्याय जो है हम लोग दिलाएंगे। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव और आप आमने सामने जो विषय जो है, ये विषय कुछ इसको हल्का मत, नहीं हल्का नहीं, सबसे गंभीर मसला है। राजनीति दिन रात 24 घंटे चले, लेकिन इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए